और यूपी के गाजीपुर से है, जहां ओपीएस की मांग को लेकर बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया। अपने प्रदर्शन के तहत बड़ी संख्या में जुटे कर्मचारियों ने पैदल जुलूस और बाइक रैली निकाली। वहीं अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कर्मचारी जिला मुख्यालय स्थित सरजू पांडे पहुंचे और सभा की। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने राज्य सरकार से तत्काल पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने ओपीएस लागू न होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। कर्मचारी नेताओं ने आगामी 10 दिसंबर को ओपीएस की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की बात कही। इस प्रदर्शन में तमाम कर्मचारी संगठन शामिल रहे। इस मामले को लेकर राज्य कर्मचारी महासंघ प्रांतीय अध्यक्ष रामलाल यादव का क्या कहना है, सुनिए। रामलाल यादव, प्रांतीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय संयोजक, उत्तर प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। रामलाल जी, आज आप लोगों ने एक यात्रा निकाला है, जिला मुख्यालय तक लेकर आए हैं, क्या मामला है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? आज हम लोगों ने 30 से 35 संगठन उत्तर प्रदेश में, हम लोग का एक संयुक्त मोर्चा, पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा बना है। उसके अंतर्गत हम लोग जिले में मोटरसाइकिल पैदल यात्रा कर रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली बहाल किया जाए, और मंडलों में रैलियां कर रहे हैं और जिले में रैलियां कर रहे हैं। अगर इससे नहीं होता है तो 10 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में हम लोग रैली करने जा रहे हैं। अगर इससे सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती है 2024 से, तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे कि पुरानी पेंशन बहाल करें।